हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे बच्चों आप लोग? बेटा, आज के लेक्चर में हम मूल कॉन्सेप्ट का आगे का पार्ट्स देखने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था हम कैसे मोलारिटी एंड मोलालिटी को फाइंड करते हैं। तो बेटा, आज के लेक्चर में हम नॉर्मेलिटी के बारे में देखेंगे, नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड करते हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं किसी भी सोल्यूशन में, एंड उसके बाद हम देखेंगे परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम, और चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, हाँ तो लिख लो यहां पे हेडिंग में न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी, देखो यहां बच्चों, तो मैंने बार बार बोला है, हर एक बार बोला है कि न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि उसका उस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो कौन सा फॉर्मूला होता है? हमारे जितने भी स्टूडेंट सबको पता है कि नॉर्मेलिटी के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है एन इज इक्वल टू, क्या होता है बेटा, नॉर्मेलिटी को हम एन से डिनोट करते हैं, एंड वेयर एन इज इक्वल टू क्या होता है, ग्राम इक्वावैलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलो इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम नॉर्मेलिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानो यार कि नॉर्मेलिटी होता क्या रियल में। तो देखो नॉर्मेलिटी बेटा, नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द हाउ मेनी ग्राम इक्वावेलेंट, हाउ मेनी ग्राम इक्वावेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, यानी हाउ मेनी ग्राम इक्वावेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्वावेलेंट वेट जुड़े हुए हैं, मतलब डिजॉल्व है उसमें किसी भी सब्सटेंस के, कितने उसके जो है मास, यानी कितना मास, ग्राम इक्वल मास, कितना मास उसका जो है वो डिसॉल्व है किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन में, दिस इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन कह सकते हैं इसको, ग्राम इक्वल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए हम नॉर्मेलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, फिर सुन लो कि हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आई बस वन में, चलो अब ये तो हमने समझा कि नॉर्मेलिटी होता क्या है, नॉर्मेलिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हम बेटा बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो देखो न्यूमेरिकल इसमें एक्चुअल में दिखाया है, तो नॉर्मेलिटी में दो तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, एक आपका डायरेक्ट फॉर्मूला से आता है और एक आता है उसके रिलेशन से। आई बस, तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम डायरेक्ट फॉर्मूला वाला न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है नॉर्मेलिटी का। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड दी नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, क्या फाइंड दी नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच टू पॉइंट सेवन फाइव ग्राम्स ऑफ 2.75 ग्राम्स ऑफ के ओ एच डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। ये बड़ा कितना आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी फाइंड करना है वैसे सॉल्यूशन का जिसमें 2.5 ग्राम्स, क्या 2.5 ग्राम्स ऑफ KOH, KOH किसे कहते हैं पता ना, KOH इज कॉल्ड कॉस्टिक पोटास, या इसको हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो इसको आपको फाइंड करना क्या, इसमें बोला है कि 250 ml में KOH डिजॉल्व है। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है इस सॉल्यूशन का क्या फाइंड करना है, आपको नॉर्मेलिटी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, बताया कि सबसे पहले हम क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करेंगे जो गिवन सॉल्यूट है वो है कौन सा, एसिड है, बेस है, सॉल्ट। तो देखो बेटा यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा है क्लियरली कि जो KOH है बेटा वो क्या है हमारा, KOH इज अ
बेस। तो हमारा सॉल्यूट कौन सा बेटा? बेस है। तो सॉल्यूट हमारा बेस है तो कौन सा हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो देखो सबसे पहले याद करो, मैंने बताया था कि नीचे वाला फॉर्मूला सबसे पहले अप्लाई कर, नीचे से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम क्या फाइंड करेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट के लिए प्रोसेस करेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या होता है फॉर्मूला पता है ना आपको? ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉलिड के लिए क्या होता है यहाँ पे? गिवेन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है बेटा? इक्वा वैलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। चलो इक्वा वैलेंट मास ऑफ सॉल्यूट पहले फाइंड करते हैं, क्योंकि गिवेन मास तो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, दिया है ना कितना? गिवेन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, कितना दिया? 2.75 का। तो हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। किसका इक्विवेलेंट मास फाइंड करेंगे बेटा? तो हम फाइंड करेंगे यहाँ पे KOH का। तो कौन क्या करेंगे यहाँ पे लिखो, इक्वा वैलेंट, इक्वा वैलेंट मास ऑफ KOH इज इक्वल टू क्या होगा बेटा यहाँ पे? मॉलिकुलर मास KOH कितना होगा? तो पोटेशियम का होता है 39, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 56 का। तो ये कितना हो गया यहाँ पे? मॉलिकुलर मास कितना हो गया यहाँ पे? 56 ग्राम्स अपॉन, और इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा पता है ना आपको? फॉर्मूला क्या फॉर्मूला पता है? इक्वावेलेंट मास ऑफ KOH इज इक्वल क्या होगा? मॉलिकुलर मास अपॉन एसिडिटी। तो एसिडिटी कितना हो जाएगा? तो याद करो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर बताया था कि जितना OH रहेगा वो उसका एसिडिटी हो जाएगा। तो इसमें OH कितना? एक एक ही OH है ना, तो उसका एसिडिटी कितना हो जाएगा? 1। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया इसका इक्वावेलेंट मास कितना होगा बेटा? 56 ग्राम ही होगा, कोई डाउट वाली बात नहीं। आई बस समझ में? ठीक है, तो ये तो चलो हमने निकाल लिया क्या, इक्वावेलेंट मास ऑफ KOH निकाल लिया हमने। अब क्या हमको पता करना है? ग्राम इक्वावेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। तो ग्राम इक्वावेलेंट के लिए क्या फॉर्मूला दिया हुआ? गिवन मास ऑफ सॉल्ट इन ग्राम, गिवन मास कितना है आप बताओ? 2.75 ग्राम्स अपॉन इक्वावेलेंट मास ऑफ सॉल्ट कितना है हमारा यहाँ पे KOH का? तो 56। तो आप क्या कम करो बेटा, यहाँ पे 2.75 को 56 से डिवाइड कर दो। जो डिवाइड करने के बाद आएगा वो क्या आ जाएगा आपका? ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। डिवाइड करें बताओ कितना आता है, चेक करो बताओ कितना आता है। कितना आएगा इसका वैल्यू? 0.049 आएगा। तो ये आ गया इसका क्या, ये हमारा निकल के आ गया ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट कितना आता है? 0.049। ग्राम इक्विवेलेंट के लिए कैसे किया पता है आपको? गिवन मास ऑफ सॉल्ट ग्राम कितना? 275, 2.75 ग्राम। और इक्विवेलेंट मास के लिए क्या क्या? गिवन मास अपॉन क्या होता है? मॉलिकुलर मास, यानी क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट मास के लिए? तो मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी KOH का मॉलिकुलर मास कितना होगा? यहाँ पे सॉल्यूट KOH है तो मॉलिकुलर मास कितना होगा इसका? 56। और इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा? एसिडिटी इसका हो जाएगा 1। तो ये 56 ही आएगा। जब मैंने 2.75 को जब डिवाइड किया, 56 कितना है? 0.049। दिस इज आवर ग्राम इक्वावेलेंट मास। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे, अब हम आगे बढ़े यहाँ पे। तो अब देखो, अब फॉर्मूला में क्या बोला है भाई? तो नॉर्मलिटी के लिए क्या फॉर्मूला है? ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। तो ग्राम इक्विवेलेंट आ गया हमारा कितना? 0.049। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, तो क्या करो यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के लिए आप क्या करोगे? तो कि
कितना दिया वहां पे, ml में दिया हुआ है, तो 250 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, 1000 ml, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 0.25 लीटर। देखो तो हमारा निकल गया यहाँ पे क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कितना आ गया, 0.25, और ये क्या है हमारा ग्राम इक्विवेलेंट, तो डिवाइड इससे इसको डिवाइड कर दो जो आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो लिख लो यहाँ पे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, 0.049, ये हमारा क्या है ग्राम इक्विवेलेंट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 0.25 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, बताओ कितना आता है। कब, जब 0.049 को हम डिवाइड करें 0.25 से, चलो सभी स्टूडेंट लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी जल्दी, ये कॉपी में इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल इस पे देखेंगे, देन उसके बाद फिर नेक्स्ट फॉर्मूला पे आएंगे। चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखो, अब ये जो नेक्स्ट जो एग्जांपल बताने वाला हूं मैं, वो आपका पिछले साल ऑनलाइन में आया हुआ क्वेश्चन बेटा, जेडब्ल्यू मेंस का, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन बोला क्या है। क्वेश्चन ये क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इफ Thank you.
देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, पहले ध्यान सुनो। क्वेश्चन ये बोला है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, क्या सुनो यहाँ पे, डाइल्यूट सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इफ 1.75 ग्राम ऑफ MgOH होल ट्वाइस इज डिसॉल्वड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, 500 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व है ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या हो। तो बस हमको पता है कैसे क्या करना है, तो सबसे पहले हम वही पता करेंगे कि हमारा सॉल्यूट जो गिवन है वो कौन सा है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो हमारा सॉल्यूट ये जो है वो क्या है, हमारा बेस है। अप्लाई करो फॉर्मूला, क्या करेंगे यहाँ पे, लिखो यहाँ पे इक्वावेलेंट। सबसे पहले हम सॉल्यूट का इक्वावेलेंट वेट निकालेंगे, चाहे वो सॉल्यूट एसिड हो, चाहे बेस हो, या सॉल्ट ही क्यों ना। सबसे पहले नॉर्मलिटी के लिए तो इक्वावेलेंट वेट, वेट ऑफ क्या फाइंड करेंगे बेटा, MgOH होल ट्वाइस। तो क्या होता है इक्वावेलेंट वेट के लिए फॉर्मूला, मॉलिकुलर मास ऑफ क्या, बेस अपॉन एसिडिटी। तो मॉलिकुलर मास कितना होगा बताओ, तो मैग्नीशियम का होता है 24, ऑक्सीजन का हो जाएगा यहाँ पे 32, चूंकि एक ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, एक ऑक्सीजन का होता है यहाँ पे 16, दो ऑक्सीजन है कितना हो जाएगा 32, हाइड्रोजन 2 है कितना हो जाएगा बताओ, ग्राम्स। देखो फिर से देखो, मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24, दो ऑक्सीजन है 32 और दो हाइड्रोन है कितना हो जाएगा 2, एक हाइड्रोन का मास कितना होता है 58। तो ये हमारा आ गया 58 ग्राम, क्या आ गया हमारा मास ऑफ MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, अब हमको क्या करना है देखो, अब हमको यहां बेटा 2 से डिवाइड करना है। पूछो 2 से क्यों डिवाइड करना है, तो इसके पहले वाले में हमने, इसके पहले वाले में जो हमारा सॉल्यूट था वो कौन सा था, इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में KOH था, तो हमने यहाँ पे 1 से डिवाइड किया वहां पे। तो यहाँ पे OH जो कि 2 है, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी 2, तो क्या करेंगे 1, ये क्या है 58 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 29 आएगा बताओ। हाँ तो ये 29 क्या आ जाएगा हमारा, दिस इज आवर इक्वावेलेंट वेट ऑफ MgOH होल ट्वाइस। समझ गए, एक बार फिर से बताऊं, देख लो यहाँ पे ये क्या है इक्वावेलेंट वेट ऑफ MgOH के लिए क्या करें हम, पहले मास इसका मॉलिकुलर मास कितना होगा 58, और मॉलिकुलर मास को बेटा हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे किससे, तो हम 2 से डिवाइड करें, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे OH कितना है 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दिया हमने। तो जब चूंकि एसिडिटी इसकी कितनी जाएगी 2, तो कितना आ जाएगा 29। चलो नोट कर लो जल्दी से, चलो अब हमको क्या फाइंड करना है भाई, तो हमको फाइंड करना है ग्राम इक्विवेलेंट। MgOH होल ट्वाइस तो क्या होगा बताओ, इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा बताओ, तो ये हो जाएगा गिवन मास कितना दिया हुआ है 1.75 ग्राम्स अपॉन इसका कितना है इक्विवेलेंट वेट कितना है यहाँ पे, तो 29 डिवाइड कर दो जो आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। कैसे भाई, तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो मास इन ग्राम, गेन मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इक्विवेलेंट वेट कितना है 29 और ग्राम में कितना दिया है क्वेश्चन में 1.75, तो डिवाइड करके जो आएगा ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, डिवाइड कर बताओ कितना आता है बेटा, जीरो पॉइंट जीरो सिक्स आ रहा है इसका वैल्यू, 0.06
हाँ 0.06 ही होगा बेटा डिवाइड करने के बाद। हाँ तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। अब हमको क्या करना है भाई, अब हमको पता करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्या लिखो यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ लीटर तो कितना है यहाँ पे 500 ml डिवाइडेड बाई 1000 कितना आ जाएगा 0.5 लीटर आ गया। तो 0.5 लीटर ये हमारा क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, और ये क्या है हमारा ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट MgOH का। तो फॉर्मूला पुट कर दो, तो फॉर्मूला पे क्या करोगे, पुट करो तो कितना जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ यहाँ पे, तो 0.06 अपॉन मोलिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है यहाँ पे 0.5 बताओ कितना आता है डिवाइड करके, जो आ जाएगा वो फाइनल आंसर आएगा बेटा नॉर्मेलिटी के लिए। दिस इज योर फाइनल आंसर, चेक करो बेटा सभी स्टूडेंट एक बार आप ही करके देख लो डिवाइड। हाँ तो सभी स्टूडेंट्स को नोट कर लो बेटा, और सभी स्टूडेंट डिवाइड कर रहे देखो और बताओ इतना ही आ रहा है ना, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है वैसा। चलो ठीक है, अब देखो अब इसी में बताता हूं कि देखो यहां पे अगर मान लो कि यहां पे H2SO4 होता, अगर H2SO4 होता तो हम क्या करते हैं, यहां पे कुछ नहीं करेंगे, पहले हम सब देखो नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे किसका, सॉल्यूट का, और सॉल्यूट का जब इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा तो उसको जो ग्राम में दिया हुआ है उससे उसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के जो हम बाद आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा बेटा ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट जो आएगा और उसको फिर हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम दिया हुआ है जिसके ml में दिया हुआ है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करके उससे फिर डिवाइड कर देंगे उसको, किसको, ग्राम इक्विवेलेंट वेट को उससे डिवाइड कर देंगे किससे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर से, तो आ जाएगा फाइनल आंसर। बहुत ही आसान है यार, मेंस तक तो मान के चलो कि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आते हैं क्वेश्चंस। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको आसान रहेगा ये, और पहली बात। दूसरी बात ये कि जब भी इसके न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट करो तो मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लेना मोल कौन, जिसमें मैंने बताया है कि अगर H2SO4 की बेसिटी कितनी हो जाएगी, HCl की बेसिटी कितनी होगी, H3PO4 की बेसिडिटी क्यों, तो बेटा वो आसान हो जाएगा क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, और है हर एक न्यूमेरिकल पे मैं आपको दो दो, हर एक फॉर्मूला पे मैं आपको दो दो न्यूमेरिकल कम से कम बता रहा हूं, तो ये चीज आपके लिए फायदा होगा बेटा। ठीक है चलो जल्दी से लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं, देखो इस
बेटा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को यार हम एक से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एक से डिनोट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन को हम एक से डिनोट करते हैं, और मोल फ्रैक्शन होता है क्या देखो, तो फ्रैक्शनल यानी किसी भी सॉल्यूशन में फ्रैक्शनली कोई भी सॉल्यूट कितना डिजॉल्व है, कान लगा के सुनना, यानी किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो कितना डिजॉल्व है फ्रैक्शनली वो हम पता किसे कहते हैं, कोई मान लो कि सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन को अगर हमको पता करना है कि उसमें फ्रैक्शनली कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलता है तो सॉल्यूशन बनता है, तो हमको ये पता करना है कितना उसमें डिजॉल्व है, यानी हाउ मेनी फ्रैक्शनली सॉल्यूट्स आर डिजॉल्व इन गिवन सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन को बेटा हम डिनोट करते हैं यहां पे एक से, और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन दो तरह का होता है, एक होता है सॉल्यूट का अलग और एक होता है सॉल्वेंट के लिए। तो फर्स्ट लेक्चर मैंने सबको पढ़ा दिया था, बताया था कि फॉर्मूला कि सॉल्यूट के लिए क्या होता है, देखो तो सॉल्यूट को हम डिनोट करते हैं एक्स टू से, ये हो गया हमारा सॉल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन, यानी क्या लिखते हैं यहां पे मोल फ्रैक्शन को शॉर्टकट में लिखते हैं हम एमएफ ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के लिए क्या होता है बेटा यहां पे एक्स टू एंड एक्स टू इज इक्वल टू क्या होता है एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू, वेयर एन वन एन टू क्या है नंबर ऑफ मोल्स, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या बोलते हैं इसको हम एक्स वन, एक्स वन के लिए क्या होता है एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू। इस फॉर्मूला से हम सॉल्वेंट के हम मोल फ्रैक्शन का पता करते हैं, इसको हम एक्स वन से डिनोट करते हैं। अब एक देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बतानी है मुझे, मैं आपको बता, देखो अगर आप मोल फ्रैक्शन को फाइंड करते हो तो हमको दोनों का फाइंड करने की जरूरत नहीं है, किसी एक का मोल फ्रैक्शन हम फाइंड कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम वन में से दूसरे को माइनस कर लेंगे। सुन मेरे बात ध्यान से, जैसे मान लो कोई किसी क्वेश्चन में आपको बोला है कि चलो मोल फ्रैक्शन फाइंड करो, तो मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का फाइंड करना है, तो किसी एक का मोल फ्रैक्शन हम फाइंड कर लेंगे, चाहे सॉल्यूट का फाइंड करें या सॉल्वेंट का फाइंड करेंगे, और किसी एक का मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे कि वन में से जो आया है उसका वैल्यू सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का वो माइनस कर लेंगे, दूसरे का निकल जाएगा, कितना आसान है ना, यानी किसी एक का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे और जो फाइंड करके वैल्यू आएगा उससे वन में से उसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास दूसरे का निकल जाएगा, एंड दूसरा का अलग से हमको निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन को फाइंड करते हैं बेटा। तो फॉर्मूला सभी स्टूडेंट्स को, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे सभी स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला तो कम से कम पता है। चलो इस पे बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है देखो, इधर फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इफ 10% ऑफ इथेनॉल डिजॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो यहां पे तो हमको एक ऐसे सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन पता करना है जिसमें 10% इथेनॉल डिजॉल्व है, किसमें डिजॉल्व है एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो चलो हमने ऐसा कंसीडर किया, टोटल जो सॉल्यूशन उसका परसेंट कितना है 100 लिया, एंड टोटल सॉल्यूशन कितना है 100 लिया, 100% है, 100% को ग्राम में अगर हम लिखे तो कितना आ जाएगा 100 ग्राम, यानी टोटल हमारा सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम है। अब 100 ग्राम में बेटा ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन है। अब इसमें देखो आप 10% यानी 10 ग्राम, 10 ग्राम क्या है हमारा C2H5OH, दिस इज फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल।
तो जब 10 ग्राम ये है और सॉल्यूशन कौन सा एक्वस है तो क्या होगा 90 ग्राम क्या हो जाएगा आपका 90 ग्राम हो जाएगा यहाँ पे H2O। बोलो हाँ या ना, होगा ना यार, सीधी सी बात है भाई। यहाँ पे 10 ग्राम इथेनॉल है तो 90 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा दूसरा, एक्वा सोल्यूशन है। हालांकि देखो ऐसा कुछ नहीं है कि एक्वा सोल्यूशन ही बार बार पूछेगा, दूसरा भी पूछ सकता है, नॉन एक्वा सोल्यूशन भी पूछ सकता है, एसीटोन पूछ सकता है, बेंजोइक एसिड कोई भी पूछ सकता है आपका। आई बस उनमें अब कुछ नहीं करना, अब हमको क्या फाइंड करना, पहले ये पता करो ये कौन सॉलिड है कौन सॉलिड। तो ये तो कंफर्म सी बात है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूट एंड ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट में है। दोनों के मोल्स फाइंड करो, तो मोल्स के लिए क्या होता हो, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास कितना दिया है यहाँ पे, तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या एन सी टू एच फाइव ओ एच, यानी सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी टू एच फाइव ओ एच कितना आ जाएगा बताओ। तो 10 ग्राम्स अपॉन इथेनॉल का मास कितना होता है, तो कार्बन का हो जाएगा 24, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 6 एंड यहाँ पे कितना है ये 16, हाइड्रोजन का 6 कैसे 5 1 6 और ये 16 कितना होगा बताओ 46 ग्राम। बोलो हाँ है ना, तो ये होगा 46 ग्राम। अब देखो बेटा यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर दो। अब इसको इससे डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा मोल्स ऑफ क्या आ जाएगा सॉल्यूट। अब देखो आप यहाँ पे अब हम बात करते हैं यहाँ पे एन एच टू, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे कितना ग्राम है 90 ग्राम्स गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास वाटर कितना है, ये आपका है 18। पूछो कैसे H2O, तो 2 प्लस 6 18 डिवाइड कर दो तो यहां पे आ जाएगा 5, इसको डिवाइड कर देखो कितना आ जाएगा। जीरो पॉइंट टू वन सेवन, 0.217 ये आ गया हमारा एन टू, चेक कर लो आप यहां पे। ये हमारा एन टू आ गया बेटा और ये हमारा क्या आ गया एन वन आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एन टू, ये हमारा आ गया एन वन। चलो अब हमारे पास एन वन एन टू आ गया है, अब हमको क्या करना है, फॉर्मूला यूज कर लेना है। हाँ तो हमारे पास एन टू एन वन आ गया है, अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बताओ, तो हमको अगर देखो यहाँ पे अगर मान लो कि हमको सॉल्यूट पता करना है तो सॉल्यूट के लिए फॉर्मूला यूज कर लो, क्या है बताओ N2 अपॉन N2 कितना है बताओ 0.217 अपॉन ये क्या है N1 कितना है हमारा 5 प्लस 0.217, कर लो कैलकुलेशन आ जाएगा आंसर। जीरो पॉइंट जीरो फोर एप्रोक्स आएगा बेटा, चेक कर लो एक बार, चेक कर लो एक बार आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू।
चेक करके बताओ बेटा सभी। चलो तो आई होप सबका ये आ गया होगा आंसर। ठीक है चलो अभी आ गया बेटा। अब हमको क्या करना है, सॉल्यूट का हमने क्या निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, x2 फाइंड कर लिया हमने यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, x1 फाइंड करना। तो कुछ नहीं करना है हमको, 1 माइनस क्या करो 0.04 कर लो, आ जाएगा आंसर। फाइंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमको अलग से। जीरो पॉइंट नाइन सिक्स आ जाएगा इसका बेटा। ये हमारा आ गया एक्स वन। चलो आ गया एक्स वन, एक्स टू बन गया। तो बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो दिया हुआ है उसको हमको क्या फाइंड, पहले मोल्स फाइंड कर लो और मोल्स फाइंड करने के बाद फॉर्मूला पुट कर लो। क्लियर बेटा। चलो अब इसके बाद का एग्जाम्पल एक और हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, यानी कि लेक्चर नंबर थर्ड बेटा। ठीक है तो फिलहाल अभी के लिए इतना है। आई के लिए ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर बेटा, बाय।